Bharatiya Kisan Union National Spokesperson Rakesh Tikait on Monday arrived in Banda in Uttar Pradesh to participate in the BKU workshop. On the occasion, Tikait lashed out at the current government and said that the government is working to mislead the farmers to present central government is a fraudster. Business leader and official in the country are running the farmers. Business leaders and officials are engaged in running the farmers off the village. He also said that the central government will not implement MSP in the country. To implement MSP, there will have to be agitation in the country and added democracy has ended in the country. The Election Commission is not doing its work. Big government agencies are occupied by the government. This country can now be saved only by the movement. The country is going towards capitalism. The statement given about the India Alliance does not mean any alliance. The India Alliance is directionless. The current government will defeat the big leader of the India Alliance in this Lok Sabha election. देखो मानने ये हैं अपने लोगों से पदाधिकारियों से कम लोगों में अपनी बात करना उनसे रूबरू होना कौन कौन लोग हैं उनसे मिलना ये एक ट्रायल चल रहा है अभी दूसरा ही चलेगा कि तीन दिन के प्रोग्राम लगाने पड़ेंगे हम तो तीन दिन में उनके विचार का भी आदान प्रदान हो जाए लोग क्या चाहते हैं उसी तरह की फिर कार्यशाला बने कार्यक्रम बने कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है उद्देश्य एक है संगठित करना सरकारों की जो पॉलिसी है उसका विरोध अगर गलत पॉलिसी है तो उसका विरोध होगा सरकार बहकाने का काम करेगी हम उनको कैसे उस मकड़ जाल से निकाल सकते हैं सरकार जालसाज है देश का व्यापारी और नेता और अधिकारी मिल गए ये तीन का गठबंधन हो गया तो गांव के लोग बर्बाद होंगे जिस तरह से गांव की जमीन जा रही है जमीन के रेट महंगे हो सकते हैं लेकिन महंगी जमीन उद्योगपति खरीदेगा और सस्ती जमीन किसान जमीन का करेंगे क्या अभी उद्देश्य क्या है उनका एमएसपी जैसे अभी लागू नहीं होती उसके अभी एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू नहीं हुआ इसके लिए बड़ा संघर्ष की जरूरत पड़ेगी एक बड़ा आंदोलन देश में होगा वैचारिक रूप से इस मूवमेंट से सब लोग जुड़े हुए हैं अगर ये ज़्यादा लेट होगा आंदोलन तो लोग बिहार की तरह हताश हो जाएंगे और स्टेट को छोड़ देंगे जैसे बुंदेलखंड में लोग खेती छोड़ के और लेबर पे जाना चाह रहे यही हाल बिहार का है अपने घर पर रह के ही संघर्ष को तेज करना पड़ेगा तो क्या टिकैत जी एक सवाल ये है कि क्या ये चुनाव को देखते हुए ही आंदोलन करने की नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है क्योंकि चुनाव तो देश में रही नहीं लोकतंत्र पूरा ख़त्म हो गया इलेक्शन कमीशन अपने काम नहीं कर रहा बहुत सी एजेंसियों पे सरकारी पहरा है तो इस देश को तो आंदोलन बचा सकता है इस देश को गाँव के लोग बचाएंगे पढ़ा लिखा लोग भी इस मूवमेंट में हमारे साथ नहीं आएगा जो कारोबारी आदमी है वो हमारे साथ इस मूवमेंट में आएगा ही नहीं अच्छा आपने अभी कहा था अभी कह रहे थे आपकी एक और कार्यक्रम होगा कब होगा दोबारा प्रोग्राम चलेंगे ये उनके प्रोग्राम बनाएंगे कि दोबारा तीन तीन दिन के प्रोग्राम हमारे कैसे चलेंगे उनका स्थान कहाँ होगा वो बनाएंगे बुंदेलखंड में बांदा में नहीं अभी अभी देखेंगे कहाँ पर उसका ट्रायल करेंगे आपने अभी कहा था कि देश को उद्योगपति चला रहे हैं कैसे कैसे उद्योगपति बड़े उद्योगपति तो देश को चला रहे हैं भाई जैसे यूएसए में वहाँ पे करीब 54 से 56 आदमी हैं जो पूरे अमेरिका को और आधे दुनिया को चलाते हैं उसी तरह के यहाँ पे भी पैदा करे जा रहे हैं सारी पॉलिसी उनके हिसाब से बनेगी उद्योग धंधे उनके सिस्टम से जाएंगे यहाँ पूंजीवाद नहीं यहाँ पे सहकारितावाद चाहिए पूंजीवाद की तरफ देश जा रहा है और जब भारत सरकार कह रही है कि 40% लोगों को हमको खेती से हटाना है तो उनको कौन से सेक्टर में लेकर जाएंगे सेक्टर तो फिर लेबर सेक्टर बचता है लेबर के कानून में संशोधन कर दिया तो कहाँ लेकर जाओगे आप अच्छा इंडिया गठबंधन को आप कैसा देखते हैं गठबंधन बना रहे हैं सब लोग गठबंधन लेकिन जब तक सत्ता की कुर्सी की खिलाफत नहीं होगी उस कुर्सी की निगरानी नहीं रखी जाएगी और सत्ता की कुर्सी से विपक्ष वाले डरते रहेंगे तो सत्ता हावी होती रहेगी और पॉलिटिकल पार्टियां बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां टूट जाएंगी
बहुत से बड़े नेता को ये सरकार अब की बार हराएगी। हम किसी के पक्ष में नहीं भाई, हमारे भरोसा कोई ना रहे। हमारा तो आंदोलन पहले छत्तीसगढ़ में उनके खिलाफ था, अब इनके खिलाफ है। ये जो आपने किसान आंदोलन किया, विश्वव्यापी आंदोलन हुआ, काफी चर्चा हुई उसकी, उसके बाद आप क्या महसूस करते हैं कि वो आंदोलन आपका सक्सेसफुल रहा? नहीं, बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। बिल तो वापस ले लिए, तो कानून वापसी ले लिए, लोग आंदोलन करना सीख गए। लेकिन आंदोलन को और देश को कैसे दबाया जा रहा, वो भी जनता के सामने आना चाहिए। आज जो बोलता है बोलता है वो जेल जाएगा। अगर मेंबर पार्लियामेंट कोई बोल लगा उसमें तो उसकी सरद होगी। तो अब आपके पास क्या मुद्दा है आंदोलन के लिए? नहीं, आंदोलन का तो MSP का मुद्दा है। ये जो हालात आज देश में पैदा हो रही है वो इशू है। सरकारें झूठ बोलती है, सरकारें कोई ना कोई मुद्दा लेकर जनता को बहकाने का काम करती है, ये सारे इशू तो है।